प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने आज राजनांदगांव जिले के सुखरी स्थित फिश फीड प्लांट का किया लोकार्पण। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन पर विभिन्न जिलों में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जागरूकता लाने में सहयोग करने वालों को किया गया सम्मानित। और प्रदेश में पहली बार आईटीआई खेल महोत्सव का हो रहा आयोजन, 8 खेलों में प्रतिभागी दिखा रहे अपना खेल कौशल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। देश भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने रोहतक मेहरम हांसी के बीच नई रेल लाइन का शिलान्यास किया और नई रेल सेवाओं को रवाना किया। उन्होंने गुरुग्राम में मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। यह मौजूदा रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगी। श्री मोदी ने रेवाड़ी में जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आप सबके सहयोग से आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। लगभग 10000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योतिसर में कृष्णा सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज राजनांदगांव जिले के सुखरी स्थित फिश फीड प्लांट का लोकार्पण किया। निजी कंपनी द्वारा संचालित यह प्लांट देश का पहला हाइब्रिड स्वचालित और ऑयल कोडेड फिश प्लांट है, जिनकी सालाना उत्पादन क्षमता 25 लाख मीट्रिक टन है। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने लगातार प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की मत्स्य संपदा योजना की जानकारी भी दी। कृषि प्रधान होने के कारण और देश पशुपालन करने वाला देश होने के कारण ये कारोबार सारा ग्रामीण में ही चल रहा है। सो प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया कोविड के काल दरमियान 20 लाख करोड़ की एक योजना घोषित की थी, उसी का मकसद ही यही था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है उसमें लॉसेस से लेकर स्टोरेज तक का और ट्रांसपोर्टेशन तक का, उन सभी में इस फंड का प्रयोग कर इसी को आगे बढ़ाने की ये योजना आई और आज इनका सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। और ये फिश सेक्टर में हम एक्वा कल्चर में दुनिया में 2 नंबर पे हैं, मिल्क में हम दुनिया में 1 नंबर पे हैं। तो ये सारे ग्रामीण क्षेत्र के ही व्यवसाय हैं और उसी के चलते इसी को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की जो मंशा है उसने निर्णय लेकर इस क्षेत्र को बहुत बल दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने किसानों से सीधा संवाद भी किया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बस्तर दशहरा के लिए अब 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदन में विधायक किरण देव ने मेला महोत्सव आयोजन का मामला उठाया।
उन्होंने जानना चाहा कि वर्ष 2021 से अब तक कहां कहां मेला महोत्सव आयोजित किए गए और उनमें कितनी राशि खर्च की गई। उन्होंने कहा कि क्या आयोजन को लेकर अनियमितता की शिकायत हुई है और हुई है तो क्या कार्रवाई की गई है। मंत्री ने विधायक किरण देव के सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह रामाराम महोत्सव के लिए 10 की जगह अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं गोंचा पर्व के लिए 3 लाख से बढ़कर 5 लाख की राशि दी जाएगी। ये बस्तर का दशहरा है वो अनूठा दशहरा है, वो दशहरे में माँ दंतेश्वरी माई की पूजा के साथ में उनका रथ निकलता है और पूरे विश्व के लोग बस्तर के दशहरे को देखने के लिए आते हैं। अभी तक हम बस्तर दशहरे के लिए संस्कृति विभाग से 10 लाख रुपए और धर्मस्व विभाग से 25 लाख रुपए इस प्रकार 35 लाख रुपए देते थे। माननीय सदस्य की चिंता को जायज मानते हुए कि अब आने वाले समय पर पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति तीनों विभागों से मिलाकर हम बस्तर दशहरे के लिए 50 लाख रुपए हर वर्ष देंगे। साथ में रामाराम मेला है, उस रामाराम मेले के लिए हम प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देते हैं पर्यटन और संस्कृति विभाग दोनों के माध्यम से। हम इसको भी अब हर वर्ष बढ़ाकर 15 लाख रुपए देंगे और गोंचा पर्व के लिए 3 लाख रुपए दिया जाता है उसको भी हम बढ़ाकर 5 लाख रुपए देंगे और चित्रकूट महोत्सव के लिए भी 10 लाख रुपए के स्थान पर अब हम 15 लाख रुपए। सदस्य की चिंता को ठीक। सदन में प्रश्नकाल के दौरान श्री अग्रवाल ने अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब दिए। राज्य में मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में यह जानकारी दी है कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 MBBS डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के पद पर तथा 21 डॉक्टर्स को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। इनमें से 50% चिकित्सक बस्तर एवं सरगुजा संभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी हॉस्पिटल में जहां भी खाली पद हैं उसके विरुद्ध यदि कोई MBBS डॉक्टर या विशेषज्ञ डॉक्टर आवेदन देता है तो उसे 24 घंटों के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत हमारे संचालक के माध्यम से किसी भी हॉस्पिटल में जहां रिक्त पद है और उस रिक्त पद के विरुद्ध में कोई भी MBBS डॉक्टर हो या विशेषज्ञ हो, अगर उस अस्पताल में वो पद रिक्त है जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उससे ऊपर, हम मेडिकल ऑफिसर दे सकते हैं MBBS। उसी प्रकार जहां विशेषज्ञ डॉक्टर की पोस्टिंग खाली है वहां पास हम लोग NHM से 24 घंटे के अंदर भर्ती करने का आज घोषणा किए हैं और कोई भी ऐसे आवेदन जो करेगा उसको 24 घंटे के अंदर हम नियुक्ति देंगे। श्री जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में निचले कर्मचारियों से लेकर चिकित्सकों के 5000 से ज्यादा पद रिक्त हैं जिन्हें जल्दी ही भरा जाएगा। प्रदेश में आज से शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले में भी इस माह में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस अभियान के तहत हर मंगलवार तथा शुक्रवार को गर्भवती माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग डॉक्टर JP मेश्राम ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर शिशु संरक्षण माह की शुरुआत की। डॉक्टर मेश्राम ने कहा कि विटामिन ए की नियमित खुराक प्रत्येक 6 माह में एक बार लेने से बच्चों में रतौंधी, दस्त, श्वास और संक्रमण की बीमारियों की संभावना को कम करता है। उन्होंने महिलाओं से इस माह में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लाभ लेने की भी अपील की। शिशु संरक्षण माह का आगाज किया गया है। आज से एक महीना तक हम शिशु संरक्षण माह को चलाएंगे जिसमें हर मंगलवार और हर शुक्रवार को हम बच्चों को टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जांच के लिए हम कार्यक्रम रखे हैं। वैसे तो हर बार टीकाकरण होता है मंगलवार और शुक्रवार के दिन,
लेकिन हम स्पेशल इसलिए कि जो छूटे हुए बच्चे रहते हैं, जब भी लोग काम पे चले जाते हैं और भूल जाते हैं, हम उनको याद दिलाते हैं। हमारी मितानिन बहनें जाती हैं और उन घरों से उन बच्चों को लाती है और उनको हम यहाँ पे विटामिन ए का भी सिरप पिलाते हैं और जितने इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल हैं पूरा उनको पूरा करते हैं, साथ ही गर्भवती माताओं की जाँच भी। शिशु संरक्षण माह का समापन आगामी 24 मार्च को होगा। जांजगीर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल क्रमांक 1 में यूनिसेफ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पढ़ाई का कोना और आज क्या सीखा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर आकाश छिकारा और यूनिसेफ जिला समन्वयक दिव्या राजपूत मौजूद थी। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के तरीकों के बारे में माता पिता को जागरूक करने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन ने यूनिसेफ के साथ मिलकर आज क्या सीखा और पढ़ाई का कोना दो नए इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं। जब हम बच्चों से पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स का बराबर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पेरेंट्स का भी रहता है, टीचर्स का रहता है, बच्चों का खुद भी रहता है और उन सब के साथ साथ में बच्चों को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो इसी कार्यक्रम के अंदर आज क्या सीखा में हमने पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया और उनको बताया कि कैसे एक छोटे से सवाल से बच्चों का पढ़ाई की तरफ जो सीरियसनेस है और जो एटीट्यूड है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों से बस ये सवाल पूछकर कि आज क्या सीखा, तो बच्चा पूरे दिन को एनालाइज करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2, 3, 4 बच्चे के लर्निंग से वो उनसे शेयर करेगा, तो ना केवल वो अपनी पढ़ाई की तरफ और ध्यान देगा बल्कि जो पेरेंट्स का और बच्चों का गैप रह जाता है जिसे हम जनरेशन गैप बोलते हैं वो भी ब्रिज होता जाएगा और बच्चा एक कंफर्ट लेवल अपने पेरेंट्स के साथ एस्टेब्लिश करेगा और अपनी बातों को उनसे शेयर कर पाएगा। इसी प्रकार पढ़ाई का कोना के अंतर्गत एक डेडिकेटेड स्पेस घर के अंदर डेवलप हो जाए जहाँ पे बच्चे के पास जो उसका पढ़ाई रिलेटेड मटेरियल है एक साथ हो जाए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रहे, लाइट सफिशियंट अमाउंट में रहे और वहाँ पे किसी का आना जाना घर में कम हो, ऐसे कोने को एक डेडिकेटेड बनाया जाए ताकि बच्चा वहाँ पढ़ाई कर एक लंबे टाइम तक बिना किसी डिस्टर्ब। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने लर्निंग कॉर्नर स्थापित करना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर ओके भाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमर जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों को व्यापक स्तर पर लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। जांजगीर से लगे ग्राम जरवे के गरीब लोगों को आवास मिलने से उनके जीवन में खुशहाली आई है। योजना के हितग्राहियों का कहना है कि पहले वे मिट्टी के मकानों में रहते थे जिस पर मौसम की मार पड़ते ही काफी खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब पक्का मकान मिलने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। पहले हमन कच्चा मकान में रहन, हमें बहुत तकलीफ दी से, चुहत रिसे, टूटत रिसे, फूटत रिसे। अब मोदी जी हमारा घर बना के दे है, हमन बहुत सुख हैं, बहुत आनंद हैं। हमन सोच नहीं रहन इसने होई कि तो मोदी सरकार हम उनके पूरा करी। अब बहुत दिक्कत रहे भैया, माटी घर रिता, अब पक्का मकान बन गया तो बढ़िया सुख शांति हैं। मोदी भैया बना दे था बढ़िया, ऐसे आराम से सोचता था, आराम से खात पिया पचा था बढ़िया। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना न सिर्फ लोगों को सुरक्षित रहवास उपलब्ध करा रही है बल्कि विकास की एक नई इबारत भी लिख रही है।
प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को आगाह करने और यातायात नियमों की जानकारी देने सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। रायपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर गौरव सिंह और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने माह के दौरान हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाने से बचना चाहिए। पिछली 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा था, जिसमें चूँकि क्या होता है, सड़क दुर्घटनाओं में हम कई अपने नियर एंड डियर को खोते हैं, इसलिए लोगों को जागरूकता के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, जिससे कि वो जागरूक हों और सड़क सुरक्षा के लिए काम करें, रायपुर पुलिस ने पिछले एक महीने में 275 कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया है। आज उसी माह के समापन का कार्यक्रम है, जो हमारे लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत लोग इसमें लगे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं और जो लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया है आज उनको सम्मानित। वहीं जांजगीर में सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर कलेक्टर आकाश शिकारा ने लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक जागरूकता के लिए कार्य करने वालों का सम्मान भी किया। जो ये अभियान चला, इसके अंदर जो अलग अलग कार्य किए गए, उनके संपादन में जिन जिन समाज के नागरिकों के द्वारा हमें मदद की गई, साथ ही साथ जो स्कूली बच्चों ने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उनका सम्मान किया गया। साथ ही दोबारा जागरूकता एक सतत चीज़ है जो पूरे साल हमें करने की आवश्यकता है, लेकिन विशेष एक फोकस्ड वे में हमने इस पूरे माह में उनको चलाया गया था। और सड़क सुरक्षा के जो तीनों तरह के कारण होते हैं, अधोसंरचना के कारण, मैकेनिकल इश्यूज़ के कारण या ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण, उन सब को दूर करने के लिए सब लोगों को, समाज के सारे नागरिकों को, प्रशासन को, सबको एक संगठित रूप में करने की आवश्यकता है, जो मैसेज इस अभियान के माध्यम से दिया गया। इस बीच कबीरधाम यातायात पुलिस की टीम ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। साथ ही यातायात जागरूकता प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि लोगों की सुरक्षा के लिए चलाए गए सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत बीते महीने 15 जनवरी को हुई थी। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। रायगढ़ जिले में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता नायक की अगुवाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने अपनी मांगों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। मुख्य मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद जब रिक्त होता है तो सहायिकाओं को बिना शर्त का 25-50% का बंधन को हटाकर बिना शर्त का सहायिका बहनों को कार्यकर्ता के पद पर लिया जाए और कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजरों के रिक्त पदों पर बिना परीक्षा का, बिना उम्र बंधन का, जैसे 1995 में और 1991 में कार्यकर्ताओं को सीधा सुपरवाइजर में लिया गया था, उसी तरह सुपरवाइजरों में लिया जाए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन ग्रेजुएटी तो दिया जाता है 10,000, 20,000, 50,000, ये क्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5,00,000 ग्रेजुएटी और सहायिकाओं को 3,00,000 रुपया ग्रेजुएटी दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 21,000 शासकीय कर्मचारी होते तक 21,000 रुपया कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को 18,000 रुपया दिया जाए, पेंशन भत्ता दिया जाए और चिकित्सा भत्ता दिया जाए। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय पर मांग पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रदेश के पिछड़े इलाकों में भी अब बिजली पहुंच चुकी है। दूरदराज के गांव अब बिजली की रोशनी से रोशन हो चुके हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में से एक बिजली के आने से गाँवों की दशा में काफी सुधार हुआ है। वन आच्छादित गरियाबंद जिले के सुदूर गांवों में भी योजना के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से उन्हें बारिश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह दिन ढलने के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित होती थी, लेकिन अब बिजली आ जाने से दिनचर्या आसान हो गई है। योजना से फायदा मिली से अब घर घर लाइट वाइट लगा दीस और बोर और है, बोर और खुदाई है, खुदाई हम तो में चला थे हलवा जलवा जिंदगी। पहले कितना परेशान रहो, अब कितना सुखी हो? पहले तो बहुत परेशानी रही, गरीबी स्थिति। फिर हाँ विधा बस की तो है, वो कमा थन खा थन जो बनी सोला। अब अच्छा हो कि पहले? पहले से अच्छा है जिंदगी, अभी ठीक है। मोदी जी के आए के बाद में लाइट वाइट व्यवस्था सब ठीक चला थे और काम धाम भी मिला थे।
हाँ से हम फायदा हो थे पहली कम रही से का? पहली तो लाइट लगी अच्छी नहीं रही से बाद में लगी से लाइट है हमारा लाइट से फायदा हो से काम वाम से मिला थे ना रोजगार वो में भी फायदा है। इस समय हम लोग इस योजना का लाभ पारा टोला मंझला टोला वहाँ तक इस योजना का लाभ लेकर जाते थे तो किसान वो लोग पूछते थे गरीब जो कमार भुंजिया और जो पिछड़े और गरीब परिवार थे जो लोग कनेक्शन नहीं ले पाते थे तो ये फ्री का योजना ऐसा करके उनको जब जानकारी देते थे ना तो लोग बहुत खुश हो जाते थे और पूछते थे कि क्या योजना है तो उसको बताते थे कि नहीं भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय का योजना है जिसमें आपको फ्री में कनेक्शन दिए जाना है। तो ऐसा ही सुनते ही आदमी लोग खुश हो जाते थे और मोदी जी के बारे में बहुत तारीफ करते थे कि बहुत गरीब किसान लोग को क्या है उसमें भी ऐसा हुआ कि सिंचाई स्तर में और घर स्तर सब स्तर उसका सुधरा है। सीएसईबी के एई एसके तिवारी ने बताया कि नवंबर 2014 में यह योजना शुरू की गई थी। योजना के शुरू होने के बाद लाइन विस्तार कर घर घर तक बिजली पहुंचाई गई है। तो उससे 25-30 गांव को लाभ मिला जिसमें कि उनका जो जीवन यापन था वो एकदम अंधेरे में गुजरता था और सांप बिच्छू ये सब का डर भी बना रहता था। तो जब ये योजना गई तो इससे उनको बहुत लाभ मिला सर, लाइट गई। अब वो लोग भी शहर के तरफ, शहर में जैसा लोग जीवन यापन करते हैं वैसी जीवन यापन नहीं, तो 6 बजे के बाद तो टोटल अंधेरा हो जाता था तो उनको बहुत परेशानी होती थी। इस कारण अब वो लगने के बाद ये लोग फिर अब रात रात तक बच्चे इनके पढ़ाई भी कर रहे हैं और इनका भी भविष्य सब आज देखिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल भी रहे हैं पढ़ करके। श्री शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति को सही तरीके से बहाल करने के लिए कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथककरण किया गया है। माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के गुंडेम गांव में सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है। डीएसपी केसी नायक ने बताया कि शासन के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। कैंप लगाकर गांव में अबाद गति से विकास के काम किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल रहा है, वहीं सुरक्षा बलों पर भी उनका भरोसा बढ़ रहा है। और इससे नक्सली बौखला गए हैं और सुरक्षा बलों के ऊपर बीजीएल और अन्य हथियारों से हमला कर रहे हैं, आईडी प्लान कर रहे हैं। फिर भी हम पुलिस बल वहां पर जो ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं, ग्रामीणों को जिनको तकलीफ हो रही इलाज की जरूरत है उनको कर रहे हैं। हाल ही में ग्राम गुंडेम में ग्रामीण रामबाबू मड़काम को भी हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया और जिला अस्पताल बीजापुर में उनका इलाज भी चल रहा है। और इस तरीके के जो हमारे जनमानस के लिए हम जो सुरक्षा बलों की जो विश्वास है वो आगे बढ़ती ही जाएगी। सुरक्षा बलों ने गंभीर बीमारी से जूझते ग्रामीणों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए भिलाई में राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस खेल महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों के शासकीय और निजी आईटीआई के करीब 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दुर्ग के यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर ने खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रदेश में पहली बार हो रहे इस आईटीआई खेल महोत्सव में खो खो, कबड्डी, रस्साकशी, क्रिकेट और वॉलीबॉल समेत 8 खेलों में प्रतियोगिताएं हो रही है। श्री ठाकुर ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा में कहा, खेलों से अनुशासन आता है जिससे खिलाड़ियों में निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। हाँ, निश्चित रूप से मनसा आईटीआई के द्वारा जो आईटीआई अंतर आईटीआई और राष्ट्रीय स्तर का ये राज्य स्तर का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आए हुए हैं तो निश्चित रूप से इनको जो जब खिलाड़ी खेलता है तो उसमें एक डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है, खेल भावना आती है और एक निर्णय लेने की क्षमता लोगों में जागृत होती है और खिलाड़ी व्यक्ति ऐसा रहता है जो नियमों का पालन भी करता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ है जो आयोजन है। इसमें बाहर से लोग आए हैं, एक दूसरे से परिचय होंगे, उनकी परंपराओं को जानेंगे और आने वाले समय में युवा पीढ़ी है और जो नई भर्तियां निकल रही है उसमें लोग भाग लेंगे और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेलेंगे तो खिलाड़ियों के लिए आने वाला बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें भाग लें और अनुशासित में रहें। तो निश्चित रूप से मैं पूरी मनसा परिवार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
वहीं खेल महोत्सव के संयोजक संजीव सक्सेना ने बताया कि महोत्सव में 7 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं और आयोजन का मकसद आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों की खेल प्रतिभा को सामने लाना है। एक प्रमुख विषय है जो कि हर बच्चे के लिए जरूरी है, उसके विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए। देखा गया है कि विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय के द्वारा टूर्नामेंट हो जाते थे, लेकिन आईटीआई एक असंगठित क्षेत्र को मानते हुए यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के नहीं आयोजित होते थे। ये उन्होंने एक पहल करी, इस संस्था में जितने राज्य के आसपास के क्षेत्रों के बच्चे आ सकते हैं उनको बुला करके टूर्नामेंट किया। बच्चे गरीब तकबे के होते हैं तो वो पैसा दे करके खेल नहीं कर पाते हैं, तो उनके निःशुल्क प्रशिक्षण और निःशुल्क खेल स्पर्धा का आयोजन किया। प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप या कैश रिवार्ड की भी उन्होंने घोषणा करी। बच्चों का रुझान बढ़ता गया और आज स्तर ये है कि हमारे यहाँ पे 7 राज्यों के करीब 700 बच्चों के आने की संभावना है, बच्चे आ चुके हैं। महोत्सव का उद्घाटन मैच शासकीय आईटीआई धमधा और भिलाई के अग्रसेन आईटीआई के छात्रों के मध्य खेला गया। रस्साकशी के इस मुकाबले में शासकीय आईटीआई धमधा के छात्र विजयी रहे। अब कुछ खबरें जिलों से। बीजापुर जिले में लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ जेसीसीजी के 16 प्रतिनिधियों ने भाजपा में प्रवेश कर लिया है। इन सभी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और वरिष्ठ भाजपा नेता महेश गागड़ा की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश किया। राजनांदगांव में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को करीब 10 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। ये गांजा तस्कर बोरियों में भरकर ले जा रहे थे। इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोंडागांव जिले में पुलिस अधीक्षक ने रक्षित केंद्र और वाहन शाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेहतर टर्नआउट वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने आज राजनांदगांव जिले के सुखरी स्थित फिश फीड प्लांट का किया लोकार्पण। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन पर विभिन्न जिलों में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जागरूकता लाने में सहयोग करने वालों को किया गया सम्मानित। और प्रदेश में पहली बार आईटीआई खेल महोत्सव का हो रहा आयोजन, 8 खेलों में प्रतिभागी दिखा रहे अपना खेल कौशल। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।